Hi guys, welcome and welcome back to my channel Explore with Suman. I hope you all are doing good. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं घर पे खड़ी हूँ, मतलब आज फिर हम कहीं लंच पे जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. आज मैं आप लोगों को मिनी सरोजनी नगर लेके जाने वाली हूँ, जो कि नॉर्थ कैंपस दिल्ली में लोकेटेड है, जिसका नाम है कमला नगर. सो जैसे ही आप मैगडी वाली साइड से मार्केट में एंट्री करेंगे, आपको थोड़ा सा आगे चल के ये शॉप मिल जाएगी. स्केचेस के बिल्कुल सामने थी ये शॉप. इन भैया के पास बहुत अच्छे अच्छा कलेक्शन आया हुआ था. स्टार्टेड 200 से स्टार्ट है. अच्छा, और कहाँ तक जाते हैं? मैडम सबके अलग अलग है. अच्छा, अलग अलग 300, 350, 450. अच्छा, 600, 650 सबके अलग अलग. अच्छा, सबके अलग अलग. ये 2 पीस पे आ रहा है. हाँ, ये कितने का है? ये 650 का है. इसमें कलर्स मिल जाते हैं. ठीक है. मैगडी वाली लेन में ही आपको ज्वेलरी की ऐसी बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जिनके पास बहुत ही ट्रेंडी कलेक्शन था, लाइक जैसे सरोजनी नगर में होता है. लेकिन सरोजनी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ का प्राइस हल्का फुल्का ज़्यादा लगा, लेकिन क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे सरोजनी नगर से. इनका आपके पास नेक पीसेस मिल जाएंगे, इनके पास ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, रिंग्स, इयररिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज से था. और बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ, आप देख सकते हैं इतने क्यूट क्यूट डेंटी डेंटी से ब्रेसलेट्स थे यहाँ पर. इन भैया के पास आपको इंडियन, वेस्टर्न हर टाइप की ज्वेलरी देखने को मिल जाएंगी. उसमें इतने सारे ऑप्शन थे इनके पास, लाइक आप ये हैंड ब्रेसलेट्स देख सकते हैं, ये मुझे इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे. इनके पास ऐसे क्यूट से नेक पीसेज भी थे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा नोन होगी, क्योंकि जब मैं कॉलेज के टाइम पे इस मार्केट में जाती थी, ऑलमोस्ट आपको यहाँ कॉलेज का क्राउड देखने को मिल जाएगा. लेकिन अगर आप कहीं और से आना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों को मार्केट तक आना कैसे है. अगर आप लोग भी कमला नगर मार्केट आना चाहते हैं, तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, या उसके अलावा पुल बंगश आ सकते हैं. वहाँ से 50 रुपीज का रिक्शा आपको इजिली मार्केट छोड़ देगा. मार्केट में आपको ऐसे जगह जगह 100 रुपीज की सेल देखने को मिल जाएंगी. इनके पास इतने ज्यादा ट्रेंडी इयररिंग्स थे गाइज, इनके पास हर कलर में इयररिंग्स थे, लाइक आपको गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, हर टाइप के इयररिंग्स मिल जाएंगे. इसमें कलरफुल इयररिंग्स भी थे, ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज के थे. सो गाइज, कमला नगर मार्केट को मिनी सरोजनी नगर भी कहा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सरोजनी नगर मुझे कमला नगर मार्केट ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि यहाँ पर उससे ज्यादा अच्छा कलेक्शन मिलता है. ये मार्केट आपको मॉर्निंग 10 बजे से रात को 10 बजे तक ओपन मिलने वाली है. ये कितने के? ये सारे 250 हैं. ये सब 250 हैं. अच्छा, सब में कलर्स मिल जाएंगे ना? ये बहुत क्यूट सा है. ये सारे 250 हैं. ठीक है. ये सारे 250. और ये पीछे भी सब 250? 250 है सारे. ठीक है. और ये जो आपके यहीं भी? हाँ जी, ये 500 की है. अच्छा, ये 500. और ये शर्ट? 300. ये देखिए, ये भी है 300. ये भी है 300. ओवर साइज है ना? कितने की है? 300. ये सारे पीस पे 300. सब ओवर साइज है? हाँ जी, लॉन्ग में भी है. ड्रेस है ये? अच्छा, ठीक है. और ये पीछे क्या है? पीछे भी पीस है ना, फुल. अच्छा, ये यही वाला है? ये 500 रुपीज़ है? 500. अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया. सो गाइस, कमला नगर मार्केट में आपको क्लोथिंग एंड ज्वेलरी के अलावा बैग्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे. और पर्सनली बात की जाए, तो मुझे यहाँ के बैग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. ये आगे वाले बैग्स कितने के हैं? 5, 6, 7. अच्छा, और ये पीछे बड़े वाले? 1000. हाँ, पीछे वाला. मार्केट में आपको ऐसे नाइट वेयर के ऑप्शंस देखने को भी मिल जाएंगे. इन भैया ने ये सेल लगाई थी, 200 रुपीज के शॉर्ट्स थे ये, और उसमें इनके पास इतनी ज्यादा वैरायटी थी और साइजेस भी सारे थे इनके पास. मैंने इनसे कंफर्म किया था, इनके पास XL तक के साइजेस अवेलेबल थे. अगर आप ऐसा कुछ पहनते हैं, तो आप आके बाय कर सकते हैं. आप जो मर्जी बताओ उसमें दे दूंगा. ये W रखे था. अच्छा, 500 के है? 500 ईच है. साइजेस होते हैं इनमें सबके? अवेलेबल है. अच्छा, ये
अच्छा एक प्रिंट में सारे साइज होंगे आपके पास? साइज सारे हैं, स्मॉल से ट्रिपल एक्सल तक। फैब्रिक भी अच्छा है, कॉटन फैब्रिक है। सेट भी है आपके पास? थ्री की साड़ी है। हाँ दिखाना। मुझे ये स्लीपर वाले भैया देखने को मिले जिनके पास अच्छा कलेक्शन था, लाइक सरोनी नगर वाला ही था वो। क्या प्राइस है भैया? कौन सी लोगे? ये आगे वाली 200 रुपए का। अच्छा, और ये वाले? ये 300 रुपए का है, ये 250 रुपए का। और ये आगे येलो वाली? ये 300 रुपए का। सो गाइस चलिए चलते हैं आप कमला नगर की मेरी मोस्ट फेवरेट शॉप पर। इस शॉप की वीडियो आपको मेरी प्रीवियस कमला नगर वीडियो में भी दिख जाएगी। ये इतना अच्छा कलेक्शन होता है गाइस, इनके पास सारे जारा H&M की कॉपी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1600 रुपए मतलब बार्गेन भी हो जाती है। 1600 की है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भैया कर देंगे। और ये लॉन्ग ड्रेस कितने की है? कौन सी? ये वाली आगे वाली? ये आपको पड़ेगी 1000 की। 1000? हाँ, कलर बहुत अच्छा है ना। कितने का है ये? 2000 का ना। निकालना इसको बाहर। ये अच्छा है, इसे कलर थे और खत्म। मुझे याद है तेरा बर्थडे आ रहा है। बाकी ये और ये थोड़ा यूनिक सा है। ये कितने का है? 2000। ये सारे सेट जो हैं 2000 की रेंज। ऑनलाइन 2700 का बिक रहा, दुकानों में 3000 रुपए का बिक रहा है शोरूम के अंदर। अच्छा, वो भी नॉन ब्रांड कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, मार्केट में मैं नाम तो नहीं लूंगा शोरूम का। मुझे मेरे को कंफर्म पता कहीं भी आप शोरूम में चेक कर लो। 3000 रुपये। और ये सामने वाले टॉप्स, ये कोको कोला? कोको कोला का अलग रेट है। क्या प्राइस होगा? 1400 में थोड़ा। अच्छा, सीक्वेंस का काम हो रखा है ना। रेट लगा लेता हूँ। ओह ये कितनी प्यारी है। ये कितने की है? ये पड़ेगा आपको 900। भी हाँ कर ही लेंगे। थोड़ा सा मार्केट को और एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आप इस मार्केट में नहीं आए तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मार्केट ऐसे आपको रोड के दोनों साइड देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आपको वो सारे नोन और बड़े ब्रांड देखने को मिलेंगे जो कि आपको मॉल्स में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही कमला नगर में जो मॉल है ठीक उसके सामने आपको ये सूट वाले भैया देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने सेल लगाई हुई थी, 600 रुपीज का सेट था इनके पास प्लाजो एंड कुर्ती का। इसमें से एंगल में से निकाल के दिखा दीजिए बस। हाँ बस आपको कुछ नहीं करना। बड़े में साइज मिल जाते हैं। अच्छा है यार कलर ना, ये सब 600 के हैं। और वाले तो शायद और सस्ते होते हैं ना भैया। ठीक है, सो ये भी इन्हीं भैया का स्टॉल था। यहाँ इन्होंने 350 रुपीज की सेल लगाई थी और कलेक्शन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इनका। तो अगर आप ऐसा कुछ पहनना प्रेफर करते हैं तो आप मार्केट जरूर विजिट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।